इस वीडियो के द्वारा हम भिन्न यानी फ्रैक्शन से परिचय करेंगे। इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन का मतलब है एक पूर्ण इकाई का हिस्सा यानी पार्ट ऑफ अ होल। बाद में हम इसको और भी तरीके से सोचेंगे। पूर्ण इकाई का हिस्सा यानी पार्ट ऑफ अ होल का मतलब क्या है? मान लीजिए कि हमारे पास एक रोटी है और मैं इसे चार समान हिस्सों में विभाजित करता हूं, तो हमारे पास रोटी के कुल चार समान हिस्से हैं। मान लीजिए इनमें से तीन हिस्सों पर मक्खन है और चौथे हिस्से पर मक्खन के साथ पनीर भी है। तो अगर पूछा जाए कि रोटी के कितने हिस्सों पर पनीर है, तो हमारे पास कुल चार समान हिस्से हैं और उनमें से एक हिस्से पर पनीर है। तो हम ये कह सकते हैं कि रोटी के एक चौथाई यानी एक बटा चार हिस्से पर पनीर है। अगर ये पूछा जाए कि रोटी के कितने हिस्सों पर केवल मक्खन है, यहां हम पनीर वाले हिस्से को छोड़ देंगे, तो रोटी के तीन हिस्सों पर केवल मक्खन है, इसलिए रोटी के तीन चौथाई यानी तीन बटा चार हिस्से पर केवल मक्खन है। आइए कुछ और उदाहरण करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संतरा यानी ऑरेंज, एक केला यानी बनाना, एक नींबू यानी लेमन, एक सेब यानी एप्पल और कुछ अंगूर यानी ग्रेप्स हैं। अगर ये पूछा जाए कि इनमें से पीले यानी येलो फलों का हिस्सा क्या है, तो हमारे पास कुछ पांच तरह के फल हैं। इनमें से कितने फल पीले हैं? यहां दो फल पीले हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दो बटा पांच फल पीले हैं। इसे और स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक और उदाहरण करते हैं। हम एक चॉकलेट का चित्र बना लेते हैं। ये हमारी चॉकलेट है और इसे पांच समान हिस्सों में विभाजित कर लेते हैं। मान लीजिए कि सारे हिस्से समान हैं और हमें ये और ये हिस्सा खाना है, तो हमने चॉकलेट का कितना हिस्सा खाया? हमारे पास कुल पांच हिस्से हैं और हमने उनमें से दो हिस्से खाए, तो हमने चॉकलेट का दो बटा पांच हिस्सा खाया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। आज इतना ही। आप लोग और भी उदाहरण के साथ खान अकेडमी पर अभ्यास करें।